इंग्लिश शब्द आ जाए, मराठी शब्द आ जाए, तो इस बंदे के इस शब्द को मथा कर देना। ये पहली बार आपको रिक्वेस्ट करता हूं। आज यहाँ पे 2024 के विधानसभा चुनाव के बारे में थोड़ी सी बैठक यहाँ पे संपन्न हो रही। इस अवसर पर उमरा का जिसका नाम निकला और जो जाके आए मालिक के दरबार में, उनका इस्तकबाल भी यहाँ पे हो रहा है। ऐसे सुहाने अवसर पर उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग, माता बहने, जवान भाई, जिन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ तक सक्सेस करने के लिए अंजाम दिया, वो मेरे सभी सहकारी, मंच पर उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग, पहले आप सभी को मैं प्यार भरा सलाम करता हूँ। आप इस कार्यक्रम का दावतनामे का रिस्पेक्ट करके इतनी देर तक यहाँ पर यह आए और बैठे, इसीलिए मैं पहली बार तहे दिल से अपना सभी का सर्व स्वागत करता हूँ, सर्व स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी कुछ काम होते हैं, आदमी के दिमाग में अच्छा और बुरा दो विचार रहते हैं, जिस पर ऊपर वाले मालिक की, भगवान की मेहरबानी होती है, उसको नवाजना चाहता है तो उससे हाथ से वो अच्छे काम कर लेता है। मेरे ख्याल से मैं ये जो किया है तो ये मैंने नहीं किया, ये ऊपर वाले ने, मालिक ने, भगवान ने मेरे हाथ से कर लिया, ये मेरा परम भाग्य है। इस मालेगांव से लेकर महाराष्ट्र बहुत सारे रईस ज्यादा है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत दौलत पड़ी है, लेकिन उनके ऊपर मालिक का आशीर्वाद नहीं कि उनको उनको नवाजे, उनके हाथ से अच्छे कर्म कर ले। कभी कभी दौलत के पीछे भागते हैं, और जो मालिक को जो बोलते ना कि पैसे को पानी, भूखे को अन्न, गरजमंद की मदद और मरीज की खिदमत, यही मालिक की परवरदिगार की खिदमत है। ये खिदमत जो करेगा उसको मालिक नवाजेगा। और मेरे ख्याल से 25-30 साल से जानता राजा से होके 12 बलुतदार के हो से मैंने जो भी जो छोटे बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, और 30 साल के लिए के साथ, लेकिन मैं तमका लोगों के ऐसे कुछ लिया नहीं। ये सामने बैठा है, आज ये सियासत का माहौल बदल गया। जो सेकुलर थे वो हिंदुत्ववादी हो गए, जो हिंदुत्ववादी थे वो सेकुलर हो गए, ऐसी सोच बदलती चली है। मैं तब भी काम करता था जब शिवसेना की चलती थी, तब शिवसेना की सोच थोड़ी सी सेकुलर नहीं थी। जिसके घर में नहीं पीठ वो मानते विद्यापीठ, ऐसी भाषा करते थे। और सामने बैठे हुए मेरे मुस्लिम भाइयों के बारे में भी क्या क्या बातें करते थे इसके साक्ष्य तुम। तब शिवसेना के मुख्यमंत्री सत्ता भी थी, तब शाखा प्रमुख होने के लिए भी लोग दौड़ते थे, जिला प्रमुख होने के लिए भी और मशीन लगाते थे, लेकिन मेरा काम और कर्म और मेरा बर्ताव जो था, संगठन जो था, वो बहुत अच्छा था। मैं पत्थर न होते भी एक तरफ बाला साहब ठाकरे का फोटो और एक तरफ मेरा फोटो डाल के चुनाव में लड़े दो बार, इसके साथ पूरा मालेगांव तालुका। ये सिर्फ काम की वजह से पद मिला, और जिसकी पद ही नहीं मार्केट में, कुछ काम ही नहीं, पद लेके क्या करेगा, पद जाएगा तो उसको लोग भूल जाएंगे। मैंने बिना पद का काम ऐसा किया कि मुझे पद की जरूरत नहीं पड़ी। पहले 25 साल बड़े बड़े का बहुत सालों का इंतजार हो जाता है, फिर भी वो लीडर नहीं बनते। मेरे पास कुछ पद ना होते हुए भी मेरे काम की वजह से जो आज के मंत्री महोदय और जो राजकारणी पैनल, जिला परिषद, पंचायत समिति, मेरे अच्छाई और सच्चाई थे। ऐसे काम करते करते मैंने कभी भी समता भाव रखा है,
और अच्छे से काम आगे बढ़ाए और वही अच्छे से काम का नतीजा है कि आज इतना प्यार मुझे मिल रहा है। बहुत से पद है, पद है, महाराष्ट्र लेवल का भी पद है, लेकिन उनको रिस्पेक्ट भी नहीं है और कोई कदर भी करता नहीं है। मेरे पास कोई पद नहीं, कोई अहदा नहीं, कोई पार्टी का बड़ा मुद्दा नहीं, फिर भी बहुत सारे लोगों ने मुझे देखा नहीं, उनके घर में मेरा नाम है और उनके घर से दुआ निकलती कि बंडू माता का कल्याण हो, अल्लाह इनको बरकत दे। ये मेरे जैसी मेरे दलित भाइयों में जाने दो, मेरे आदिवासी भाइयों में जाने दो, किधर भी जाने दो। डायमंड कारपेट हमारे वहाँ कारपेट ग्रास हेटलोन रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।